दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज जहाँ पे हूँ मैं, ये उज्जैन में, उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में मैं हूँ। कहते हैं इसका एंट्रेंस है, तो इसको आप महाकाल के लोग कह सकते हैं। गजासुर संहार, ये जो प्रतिमा है शिव जटाओं से गंगा उतरे। बैकग्राउंड में आप जो म्यूजिक देख रहे हैं, मतलब ये जो ओम का जो उच्चारण आप देख रहे हैं, ये बहुत ही एक स्पिरिचुअलिटी वाली जो है ना वाइब्स दे रही है। क्योंकि अभी फाउंटेन बंद है, शाम को जब लाइट चालू होगी तो देखिए रावण ने कैलाश पर्वत को नीचे से उठाने के लिए हिलाया कि दशासन रावण रसातल में जाने लगा। तब शिवाजी शिवजी देवी पार्वती के साथ हंसते हुए प्रसन्न हुई। रावण का कैलाश का पर्वत उठाना। नीलकंठ महादेव एवं समुद्र मंथन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समुद्र मंथन में जो हुआ था उसमें भगवान शिव जो विष पी रहे हैं। ये UMA ये ऑडियो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आप सारे जितने भी इसके कॉरिडोर के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं भगवान शिव के जितने भी रूप्स उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। ऐश्वर्या प्रदात्री श्री महालक्ष्मी विद्या की देवता से सरस्वती और भगवती पार्वती जी, तो पार्वती जी महालक्ष्मी और सरस्वती जी का ये
आती हैं के ऊपर आपको जो है ना जो तस्वीरें जो है ना वो गिरी गई है। विवाह में वर के रूप में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा अद्भुत। श्री काल भैरव भगवान शिव द्वारा यम का संहार। पे अब पानी के पीने का भी व्यवस्था है किया गया है, यहाँ पे पानी पी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन। वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। महर्षि कश्यप दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह कर देवगण असुरगण असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार। महर्षि वशिष्ठ वशिष्ठ स्मृति वशिष्ठ संहिता वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता योग वशिष्ठ के वक्ता एंड सूर्यवंश के पुरोहित ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति एवं शस्त्रादि विद्या के ज्ञाता। महर्षि जमदग्रह अशस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता। बहुत कुछ जानना है हम लोग को अपने गौतम स्मृति का न्याय शास्त्र के प्रवर्तक और धनुवेद के ज्ञाता तथा प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में सम्मिलित माता अहल्या के पति। श्री विश्वामित्र योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले और गायत्री मंत्र के दृष्टा अनुवांशिक विज्ञान तथा अशस्त्र विद्या के ज्ञाता। महर्षि विश्वामित्र भारद्वाज देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ऋग्वेद के 6वें मंडल के दृष्टा तथा भरद्वाज स्मृति भरद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता। महादेव का मंदिर है ये इस तरफ है लेफ्ट साइड में जो आपने देखा होगा, राइट साइड में नंदी द्वार।
ये नंदी द्वार है। दोस्तों जब आप महाकाल के कॉरिडोर के अंदर आएंगे, सामने आपको गणेश जी की मूर्ति आपको दिखेगी। उसके राइट साइड सामने जो आप देख रहे हैं ये नंदी द्वार है। ऊपर राइट साइड में नंदी महाराज बैठे हुए हैं। जी के द्वारा और एक और चीज़ में कॉल करने वाली बात है, ये संस्कृत में लिखा गया है। इस तरह का जो गाड़ी है ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए जो है ना, ये सर्विस चालू की गई है। भगवान शिव का जो मंदिर है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उज्जैन में एक महाकुंभ का मेला भी लगता है, हर 12 साल में एक बार होता है। पूरे भारत में महाकुंभ का मेला जो है ना 4 जगह लगता है, एक है उज्जैन में, दूसरा नासिक में, तीसरा हरिद्वार में, चौथा प्रयागराज। ये 4 जगह महाकुंभ मेला होता है हर 12 साल में। टूरिस्ट के हिसाब से जो है ना पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट 4 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो लोग अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग आ रहे हैं। नंदी द्वार कहते हैं, ये जो हिसाब देख रहे हैं पीछे, ये नंदी द्वार है। यहाँ से आपको एंटर करना होगा। सामने भगवान शिव के त्रिशूल और आपके त्रिशूल के ऊपर जो डमरू और फिर ओम का ये आपको मिलेगा। पर ये एक बार आपको बता दूँ, ये जो ये कॉरिडोर है ये उज्जैन स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है, जो वॉकेबल भी है, वॉकिंग करके भी आप आ सकते हैं। फोटो से आप समझ सकते हैं रुद्र सागर जीर्णोद्धार पूर्व की स्थिति, पहले ऐसी थी, बाद में अभी देखिए वर्तमान की स्थिति ये ऐसी होगी। समझ रहे कितना चेंजेज हुआ। ये ऑलमोस्ट ये पानी सूख गया था, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पानी सूख गया था पूरा। आज देखिए जो नदी आप देख रहे हैं ना, तालाब नदी आप जो कह लीजिए, ये ऑलमोस्ट पहले सूख गया था। मैंने भी जितने भी सदस्य सबको लेके आई है। ये महाकाल का एक आप कह सकते हैं एक शहर बसा हुआ है। भगवान शंकर, भगवान शिव कह लीजिए, भगवान शंकर कह लीजिए, महाकाल कह लीजिए, उनके जितने भी स्वरूप हैं ठीक है, सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। दोस्तों तो वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए।